गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर फाइन. बेटा बेटा, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 4, दैट इज़ द इक्वेटोरियल रीजन्स. ठीक है, लेसन हमने रीड कर लिया है, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सिलेक्ट एंड टिक द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसमें जो आंसर आपका सही है, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जो आंसर आपका सही है उस पर आपको टिक मार्क करना है. फर्स्ट है द इक्वेटोरियल रीजन लाइज क्लोज टू द, जो इक्वेटोरियल रीजन है बेटा वो उसमें वो किसके नियर है बेटा, किसके पास है, आर्कटिक सर्कल के पास या अंटार्कटिक सर्कल या इक्वेटर. तो जो इक्वेटर का बोथ साइड है बेटा, उसके जो एरिया होता है उसके पास आसपास का एरिया, वो होता है इक्वेटोरियल रीजन. तो क्या आएगा, इक्वेटर. ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कोंगो इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ, कोंगो जो है वो किसके सेंट्रल पार्ट है, अफ्रीका का. ठीक है, नॉट एशिया नॉट साउथ अमेरिका. तो ये किसका पार्ट है बेटा, कोंगो जो है वो कहाँ से है, यानी कि DRC जो है वो कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. ठीक है बेटा, इसकी थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है ये. दिस रिवर इज नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, कि कौन सी रिवर है जो जिसको हाईवे की तरह है, जो ठीक है सेंट्रल अफ्रीका की हाईवे की तरह है. कौन सी रिवर है, नील, कोंगो या अमेजन. तो कोंगो रिवर. ठीक है, लेसन में हमने रीड किया था. नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ कोंगोज पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दिस ट्राइब, जो कोंगोज की पॉपुलेशन है बेटा वो किससे बिलोंग करती है, बंटू. ठीक है, बिटिया या कैनवा. तो क्या आएगा, बंटू ट्राइब से. नेक्स्ट है री राइट द अंडरलाइन वर्ड करेक्टली, जिन वर्ड्स पर अंडरलाइन किया गया, जैसे कि ये इसको हमने करेक्टली दोबारा से राइट करना है, क्योंकि ये हमारे को रोंग दिए गए हैं, इसलिए हमें इसको सही करके लिखना है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो लाइज इन, अभी बताया था देखो डेमोक्रेटिक जो कोंगो है वो कहाँ है, अफ्रीका में है, लेकिन ये कह रहा है कि एशिया कॉन्टिनेंट में, तो इट इज़ रोंग. यहाँ पर एशिया की जगह क्या आएगा, अफ्रीका. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कोंगो इज अ रीजन ऑफ लो टेम्परेचर. कोंगो में जो टेम्परेचर होता है बेटा वो लो होता है, नॉट लो की जगह क्या आएगा, वेरी हाई टेम्परेचर. द फॉरेस्ट ऑफ DRC हैव वेरी शॉर्ट ट्रीज, DRC में जो फॉरेस्ट होते हैं बेटा वहाँ के जो ट्रीज हैं वो शॉर्ट होते हैं. इट इज़ रॉन्ग, शॉर्ट की जगह क्या आएगा बेटा, टॉल. हेलीकॉप्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन DRC. DRC में जो हेलीकॉप्टर हैं वो इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. तो क्या आएगा हेलीकॉप्टर की जगह, रिवर्स. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट द इक्वेटोरियल रीजन इज सिचुएटेड अलोंग द डैश ऑन बोथ साइड, किसके दोनों साइड्स में जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, इक्वेटर के. ठीक है, नेक्स्ट डैश एंड डैश लाई टू द साउथ ऑफ कोंगो, कोंगो के साउथ में क्या स्थित हैं, जैम्बिया एंड अंगोला. ठीक है, हमने लेसन में रीड किया था, दो फॉरेस्ट रिमेन डैश एंड डैश इवन इन द डे टाइम, कि दिन के समय में भी ये कैसे होते हैं, डार्क एंड डिम. नेक्स्ट डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पिग्मीज, पिग्मीज का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, हंटिंग. ठीक है, कोंगो में बिकम अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, जो कोंगो है देश है बेटा वहाँ पर क्या होता है मेनली, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है पूरे संसार में, इन द वर्ल्ड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, द इक्वेटोरियल रीजन रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर, कि पूरा वर्ष जो है ये गर्म एरिया रहता है. तो इट इज़ राइट, द कोंगो रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, कि कोंगो रिवर पूरे संसार में सबसे बड़ी नदी है. इट इज़ रॉन्ग, व्हीट एंड मेज आर द चीफ फूड क्रॉप्स ग्रोन इन DRC, जो गेहूं और मक्का है बेटा वो यहाँ की मुख्य फसलें हैं. इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि कसावा एंड बनाना इज द चीफ फूड क्रॉप्स इन DRC. द पिग्मीज लिव इन फॉरेस्ट, पिग्मीज जो है फॉरेस्ट में रहते हैं. इट इज़ राइट, इन DRC ट्रेन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट इज़ रॉन्ग, अभी हमने बताया था कि रिवर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन DRC. ओके बेटा, तो राइट रॉन्ग, रॉन्ग राइट रॉन्ग. ठीक है बेटा, तो सभी बच्चों ने एक्सरसाइज को अच्छे से अपनी बुक में फिल करना है. ओके, हैव ए नाइस डे.